गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नाउ वेलकम टू स्टैंडर्ड 7। हाँ, हिंदी। लिखो वहाँ पे, अभी बेटी लिखना है तो रुक जाओ। पार्ट 5। हम भी बने महान, पार्ट 5। ओके, टेक्स्ट बुक खोला आप लोगों ने? ओके, पेज नंबर 3 और 4। विशेषण आपको मैंने, जब आप लोग अभी 7th में आए ना, लास्ट ईयर 6th में थे ना। विशेषण, विशेषण क्या होता है मालूम है? जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। किसको कहते हैं विशेषण? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्दों को पढ़िए, जैसे केशा साहसी बालिका थी, मिला सबको? साहसी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। फिर बगीचे में सुंदर फूल खिले थे, ठीक है, सुंदर। तो ये जो साहसी, सुंदर और टर्न द पेज, भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। तीन। बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, वह आदमी जा रहा है। तो जो ये रेखांकित शब्द दिख रहा है आपको, वो है विशेषण। लेकिन विशेषण भी, विशेषण के भी प्रकार होते हैं, विशेषण के भी प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आपको विशेषण तो वही है, साध्वी प्रकार। जैसे आप नीचे वाला देखो, उस तो वो सेंटेंस देखो, तड़क। हाँ, ओके, ईमानदार। नेक्स्ट पढ़ते हो फटाफट से, एक एक करके, वन बाय वन। मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। हाँ, ओके। खरगोश की शरीर मुलायम होता है। पढ़ते जाओ ना, कोई भी पढ़ो ना। के साथ मन रहता है। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। हाँ। पानी गंदी होता है, ओके। तो ये देखो, आप जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं ना वाक्यों में, ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन, पूर्व, शब्दों को रेखांकित जो किया गया है, ये शब्द गुण बता रहे हैं, दोष बता रहे हैं, आकार भी बता रहे हैं, रंग रूप भी बता रहे हैं, स्पर्श भी बता रहे हैं, दशा और अवस्था भी बता रहे हैं, और स्थान और देश काल भी बता रहे हैं, स्वास्थ्य। तो इन सब, जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग रूप, स्पर्श, दशा और अवस्था, स्थान, देश काल, स्वाद, गंध की दिशा का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि अगर जो यहाँ पे पहले आपने देखा ना, केशा साहसी बालिका थी, तो उसका गुण बता रहा है। केशा कैसी है? साहसी बालिका है, तो केशा की गुण है। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, तो बगीचे की सुंदरता बताई जा रही है, यानी कि इसमें भी गुण बताया जा रहा है। भारत में श्रीलंका ने 3 विकेट से हराया, यहाँ पे 3 शब्द है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। हाँ, 3 शब्द संख्यावाचक विशेषण। बाल्टी में थोड़ा सा पानी, ये परिमाणवाचक, थोड़ा सा है, कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक। हाँ, अनिश्चित, यानी कि इसका कोई पता ही नहीं, थोड़ा सा है, इतना है थोड़ा, या इतना थोड़ा है। हाँ, ऐसा कुछ भी बताया नहीं है, थोड़ा सा बताया गया।
फिर वह आदमी जो है, ये है सार्वनिक विशेषण, वह जो है सर्वनाम है, सर्वनाम है, इसलिए वो सार्वनिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। आपको यहाँ पे सिर्फ गुणवाचक विशेषण के बारे में ज्यादा बताऊं, ठीक है? तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर लिखिए, ठीक है? इसमें से गुणवाचक विशेषण बताना है आपको। चलो याश्वी पहला तुम बताओ, टेस्ट बुक नहीं है, ओके चलो हाँ बता दो। नंबर वन में कौन सा गुणवाचक विशेषण होगा? चतुर, गुड, चतुर, तो चतुर लिख डालिए उसके सामने। पेज नंबर फोर पे वन नंबर क्वेश्चन, बाकी तो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज में वन नंबर प्रश्न नंबर वन दिया हुआ है उसमें बताना है वरद जा वरद राज चतुर बालक था, तो चतुर आपको अंडरलाइन करना है। यहाँ पे लिखते तो जाओ, ये ना आ जाओ तुम, क्या होता है बेटे, ठीक है? नहीं नहीं, वो गाँव पर ना इसलिए तबीयत ठीक नहीं थी। अब ठीक है, यहाँ पे लिखो प्रश्न नंबर वन टेस्ट, ओके एक मिनट नहीं देती एक दी, बस तुम बात करो। हाँ सिर्फ वन नंबर चतुर, फिर टू नंबर क्या होगा? पीले, पीले। थ्री नंबर तीखा, फिर फोर नंबर पंजाबी, नहीं हाँ पंजाबी है, थ्री नंबर में तीखा, पीले पापे बड़ी की मात्रा आएगा बेटा, इसमें भी तीखता पे छोटे की मात्रा होगा, बड़ी की मात्रा। देखो यहाँ लास्ट वाले में बोलो सफेद कप, नहीं दाग नहीं आएगा, सिर्फ सफेद आएगा, सफेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है, तो सफेद ओके सफेद सफेद वो लास्ट पे कैसे, फोर नंबर पंजाबी पंजाबी ओके हाँ लास्ट में। चलो दृष्टि पढ़ो, इतना जानिए हाँ हो गया। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निम्नलिखित विशेषताओं को वोट करता है। फर्स्ट गुण दोष, ईमानदार बुद्धिमान चतुर योग्य अच्छा बुरा, मतलब ये वर्ड्स कहीं पे भी आए तो आपको गुणवाचक विशेषण में लगा देना। दुष्ट क्रूर क्रूर आलसी अयोग्य पापी आदि। आकार गोल चौड़ा लंबा पतला छोटा मोटा वर्गाकार तिकोना आदि। थर्ड रंग रूप सफेद काला पीला सांवला गोरा नीला चमकीला आदि। स्पर्श कोमल कठोर खुरदारा चिकना मुलायम आदि। फिफ्थ दशा अवस्था स्वस्थ कमजोर बीमार दुर्लभ बुलवान दुर्लभ दुर्बल है सर सॉरी दुर्बल है दुर्बल रोगी बुढ़ा युवा आदि। सिक्स स्थान देश काल ग्रामीण
प्राचीन भारतीय शहरी जापानी पंजाबी आदि समेत स्वादगर मीठा खट्टा चटपटा कड़वा फीका मीठा आदि। अभी जो ये सारी चीजें हमने आपको एक्सप्लेन की ना, यानी कि आप टिक करते जाइए, ये को निम्नलिखित, एक मिनट, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, यानी भाषा सज्जता आपको पूरा नोटबुक में लिखना है। पेज नंबर 3, 4 एंड 5, 6 ओके 6 तक। दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। फर्स्ट, प्रयाग तीन नदियां का संगम स्थान है। सेकंड, आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। गौरव तीसरा कक्षा में पढ़ता है। फोर्थ, सचिन वनडे में दूसरा शतक लगा चुके हैं। फिफ्थ, हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। उपयुक्त वाक्य में तीन आधा इसकी दूसरा चारों आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द पूर्णांक यानी कि पूरा बोध करा रहे, अपूर्णांक यानी कि आधा बोध करा रहे, क्रम बता रहे, आवृत्ति बता रहे हैं, समूह वाचक संख्या का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए संख्या का बोध कराते हैं। जिस शब्दों में वस्तु के निश्चित संख्या को बोध होता है उसे निश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। फर्स्ट, कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। सेकंड, कुछ लोगों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। थर्ड, ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गए। उपर्युक्त वाक्यों में कोई कुछ ज्यादा आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द जो है अनिश्चित संख्या वाचक है, यानी ऊपर वाला जो है ना निश्चित बता रहा है संख्यावाचक, कैसे कि वहाँ पे उस प्रदेश में प्रयाग में तीन नदियाँ बहती हैं, तीन ही निश्चित है कि तीन ही है, तीन से चार नहीं है। दूसरा, केवल आधा लीटर दूध चाहिए, आधा लीटर से ज़्यादा नहीं चाहिए ना? तो ये बिल्कुल निश्चित बता रहा है। अब नीचे वाली संख्या में अनिश्चित, कई लड़कों ने जो है क्या कहते हैं पर्यावरण का पीड़ा उठाया। देखो वहाँ से कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, लेकिन हम कोई निश्चित नहीं कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, तो ये सब अनिश्चित होता है। समझ में, निश्चित और अनिश्चित में जो होता है, अनिश्चित में कोई पता नहीं रहता है कि कितने लोग हैं, कहाँ से हैं, कितना है। जैसे यहाँ थोड़ा सा पानी पिया, चाव बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, तो वो भी अनिश्चित में आएगा थोड़ा सा। जिस शब्द से वस्तुओं की निश्चित संख्या को बोध न होता है उसे अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। ये जो चीजें बताया, जो पिंक वाले में लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन है, ठीक है। ये डेफिनेशन भी हम आपको पूछ सकते हैं, तो ये डेफिनेशन के साथ ही आपको एग्जांपल लिखना है। समझ में, इतना चाहिए। निश्चित निश्चित संख्या वाचक विशेषण के कुछ अन्य भेद है। फर्स्ट, पूरक बोध 1, 3, 9,000 आदि। मतलब पूर्णांक बोध यानी कि पूरा, 1, 3 कोई भी गिनती पूरा होता है, ठीक है। दूसरा है, एक मिनट, अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक में क्या हुआ, आधा, कोई भी चीज़ का आधा, पेन का आधा, या कोई भी थिंग्स हम खा रहे हैं उसका आधा। फिर पाव, पाव मतलब समझते हो, 250 ग्राम, एक पाव जो है ये सब्जी दे दो, एक पाव टमाटर दे दो, ठीक है, तो वो 250 ग्राम बोलते हैं ना, यानी 1 किलो का 1/3 ग्राम। फिर आया पौना, पौना यानी कि एक उसका 3/4 पाव, पौना यानी कि 75%, 100% में से 75% पौना। डेढ़ मतलब आधा, हाफ, 50-50, ढाई, ढाई किलो यानी कि 1 किलो, 2 किलो, 2.5, समझ में है, ढाई। तो ये जो है अपूर्णांक बोधक है। क्रमवाचक,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्रम में आता है। आवृतिक वाचक, जैसे दुगना हो गया, तुमको तो दुगना फायदा हो गया, अरे वो तो चार गुना जो है तरक्की कर रहा है, चौगुना तरक्की कर रहा है। इखर रहा यानी कि एक, और दोहरा यानी दो। समूहवाचक, दोनों, तीनों, चारों, ये समूहवाचक में आ गया। तब तो समझ में आया ये कि निश्चित संख्यावाचक के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर टू में देखो क्या करना है। नीचे लिखे निश्चित और अनिश्चित वाचक विशेषण को छांटकर वाक्यों का प्रयोग करिए। आप बताइए इसमें निश्चित वाचक कौन सा है और अनिश्चित वाचक कौन सा है। जो निश्चय वाचक है उसके ऊपर ना लिख दे, ना लिख दो। पहला, पहले में क्या आएगा? अनिश्चित। आ लिख दो, उसका भी लिखो ना बेटा, उसका भी लिखो, तभी तो उसको समझ में आएगा। सेकंड में भी आ, थर्ड में ना, ना निश्चित वाचक ना, हाँ ना, धैर्य बहुत, अनिश्चित। कुछ ने भी अनिश्चित वाचक ना आएगा। चौगुना में निश्चित वाचक, चौथा में भी मैं ना, हाँ चौथा में भी ना आएगा। उसके बाद अ, हाँ उसके बाद ना। समझ में आया? हाँ, और इसके जो है ना सेंटेंस बनाने हैं। बैठ जाओ। इसके जो है क्वेश्चन नंबर जो टू दिख रहा है आपको, इसके सेंटेंस बनाने हैं, यानी कि ओके। हाँ, अब ये आओ यहाँ पे होमवर्क लिखो, होमवर्क लिख दो। तो जो वीडियो में भी बच्चे देख रहे हैं ना, वो आ रहा है, कोई बात नहीं। जो बच्चे वीडियो भी देख रहे हैं वह उनको ही पता चल जाए होमवर्क में क्या दे रही है मैम। ये नीचे वाला रख पढ़ दो। हाँ, ये पेज नंबर रख पढ़ दो। हाँ, वहाँ पे होमवर्क लिख दो। HW बड़ा बड़ा लो। पेज नंबर 3 बड़ा बड़ा 3, 4, 5 राइट इन नोटबुक। 6 भी नीचे लिखो, राइट इन नोटबुक बड़ा बड़ा था। हाँ, ये पूरा ग्रामर जो है आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, ये आपको ये होमवर्क जो है आपको ये अपनी नोटबुक में पेज नंबर 3, 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन अभी हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क देख रहे हो। प्रोजेक्ट वर्क में भिन्न भिन्न क्षेत्रों से महत्वपूर्ण योगदान देने वाली क्या हो रहा है, मतलब लेसन पीरियड ओवर हो गया तो मैं चली गई हूँ क्या? हाँ, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली नारियों की जानकारी प्राप्त करना, तो हमारे ये वर्कबुक में ना इंदिरा गांधी के बारे में दिया हुआ है, फिर श्रीमती सवित्रा बाई फुले, और उसके बाद कल्पना चावला, मैडम क्यूरी और सरोजिनी नायडू, इनके बारे में दिया हुआ वर्ग। उनके बारे में क्या लिखना है? मुद्दा में जन्म है, उनका बाल्यकाल कैसा बीता, शिक्षा का क्या हो रहा है, इसको बता रहा था। उसका लेख बता योगदान क्या है, जिस क्षेत्र में योगदान दिया उसका विवरण सचित्र वर्णन करने है। चलो इधर सब तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, रहने दो, बहुत होमवर्क मिल गया है, चलेगा। चलो इसका तब तक इसका देख लेते हैं। हाँ,
ए पेज नंबर 10 प्रश्न नंबर 2 देखो इसमें क्या है। आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो उसे कक्षा में कहिए और कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। कोई भी घटना घटी हो तुम लोग के जीवन में, आजू बाजू में किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, किसी घर में ऐसा कुछ घटना घटी हो जो बिल्कुल दिमाग में छप गई हो, ऐसी कोई घटना, या तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम आया हो, तुम्हारे घटना प्रसंग हुआ हो, या तुम्हारे घर में कोई प्रसंग हुआ हो, प्रसंग का मतलब जय शादी हुई हो या किसी का जय 50वीं, जैसे दादा दादी का 50वीं सालगिरह मनाया गया हो या मम्मी पापा का 25वीं सालगिरह मनाया गया हो, ऐसा कोई प्रसंग हुआ हो, ये सब जो है घटना हमें, घटना नहीं सॉरी ये प्रसंग कहा जाता है। घटना तो जो अकस्मातिक होता है, एक्सीडेंट। हाँ आप देखो चर्चा कीजिए, यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में आपसे क्या कहते। अगर पक्षी बोल पाते तो पेड़ कट रहे हैं तो उसके विषय में जो है पक्षी लोग जो है वो क्या कहते हैं हमें। हमारा घर है ये, हमारा आशियाना क्यों काट रहे हो, पेड़ पौधों से हमें तो सुविधा मिलती है, साथ में सभी को सुविधा मिलती है, पेड़ पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो क्या कहते हैं हम सांस लेते हैं वो एब्जॉर्ब करता है, पेड़ की कटाई कर दोगे तो प्रदूषण क्या कहते हैं बारिश रुक जाएगी और वातावरण शुद्ध नहीं मिलेगा, इस तरह से वो उसको बोल करके पेड़ काटने के मना करेंगे। यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करते। पहले मुझे पहले इंसान क्या था, अभी क्या हो गया, ठीक है। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए। किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, सब कुछ खोने पर भी मनुष्य के पास क्या होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उस उम्मीद का होना जरूरी है, आशा जिसको बोलते हैं ना कि आज का दिन जो है खराब है तो एक आशा लेकर के हम दूसरे दिन की तैयारी रखते हैं। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए इंसान, कल का दिन जो है अच्छा होगा तो उम्मीद का होना जरूरी है, जिसके बलबूते पर हमने जो खोया है वो सब कुछ वापस पा सकते हैं। आशा उम्मीद मतलब आशा करना, तो ये आशा बहुत रखना जरूरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। उचित विराम चिन्ह, विराम चिन्ह में पहला क्या दिख रहा है, पूर्ण विराम, दूसरा क्वेश्चन मार्क, तीसरा एक्सक्लेमेशन साइन, उद्गार चिन्ह, फिर उसके बाद योजक चिन्ह है, फिर उसके बाद जो है अवतरण चिन्ह है, डबल अवतरण, दोहरा अवतरण चिन्ह है, कॉमा अल्प विराम है और उसके बाद सेमी कॉलन है। तो ये जो आपके पास 2 स्टैंजा दिए हुए, पैराग्राफ दिए हुए ना, उसमें आपको ये सारे जो है विराम चिन्ह यूज करने हैं, है ना, ये विराम चिन्ह यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। हाँ अभी क्वेश्चन नंबर 5 आगे आगे बोलती हो ना, देखो ना, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक दो वाक्य में ये भी लिखवा दिया। हाँ अब पेज नंबर 12 पे आइए। पेज नंबर 12 हाँ पहले नहीं, पहला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोष्ठक जो दिया हुआ है ना, कोष्ठक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की का जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग करिए। जैसे यहाँ पे कामयाबी है, कामयाबी का होता है सफलता, सफलता नीचे लिखा है ना, तो कामयाबी का समानार्थी शब्द जो है वो सफलता है, तो कामयाबी और सफलता दोनों से मिला करके आपको
सेंटेंस बनाना है। रेखा कामयाबी, रेखा को कामयाबी मिली, रेखा को सफलता मिली, एक ही शब्द है और रेखा को कामयाबी मिली और रेखा को सफलता मिली। हाँ हाँ, फिर यहाँ पे यही है, समानार्थी शब्द निकालना है और उसके बाद जो है उसको लिखना है। ठीक है, इतना तक होमवर्क करके आप लोग नेक्स्ट पीरियड में मुझे दिखाइएगा। अब हमारा पीरियड कंप्लीट हुआ। मैं